हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। ना आपको ये वीडियो में टीम सोल का बैक टू बैक डोमिनेशन देखने को मिलने वाला है। एक चिकन डिनर भी देखने को मिलेगा और साथ में जो सौम्य का जो पिस्टल का क्वेस्ट था आपने कल देखा ही रहेगा, 1v2 पिस्टल से। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी चलते हैं हम सीधा ये मैच की तरफ। एंड चैनल पर जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपको टीम सोल का अपडेट डेली आपको मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। कोशिश करेंगे नायक सोल के सौम्य को, देख लीजिए वो सबसे पहले एक नॉक निकाल चुके हैं और किसका वो नॉक निकलेगा, आयोगी भी अब डाउन। उसके बाद सौम्य की तरफ से आयोगी का एलिमिनेशन कंफर्म एंड बैन किया जा रहा है, फिस्ट किया जा रहा है, जैसे भी माना है मारा जा रहा है। नकुल यहाँ पे घुटनों पे और अब जोकर और मायावी, सिर्फ और सिर्फ मात्र दो प्लेयर्स, मायावी डाउन हुए, नकुल मतलब आयोगी डाउन हुए, उसके बाद नकुल डाउन हुए और अब जोकर को हो पुश किया जा चुका है। जोकर भैया वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर, माया भी ग्रेट रोटेशन ले रहे हैं लेकिन अपनी टीम से काफी वो दूर निकल चुके हैं। गॉडल्स ही गॉड, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी लेकिन अभी के लिए चलिए। जोकर यहाँ पे पुश कर गए, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, बी दो प्लेयर्स यहाँ पे डाउन, टीम आइकोसोल के मेन लाइन के दो प्लेयर्स डाउन, मायावी की टीम यहाँ पे आइकोसोल को फिनिश ऑफ करते हुए दिखाई दे सकती है। जोकर को एक नॉक निकालना पड़ेगा लेकिन नहीं नहीं नहीं, स्किप्स नहीं करेंगे, स्किप वो डाउन करेंगे जोकर को। और आप मायावी एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर, एक जोरदार शानदार मजेदार रोटेशन लेके पहुंच तो चुके हैं, बहुत लंबे सफर इन्होंने तय किया, लेकिन क्या मायावी यहाँ पे है जो अपनी लाइनअप को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। चलिए हाथों में कौन सी गन है, यूएमपी हमें देखने को मिल रही है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्किप्स यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिले हो गया वरना ब्लास्ट हो सकता था। एक और ग्रेनेड यहाँ पे डाला जाएगा, डाउन दे रही है, एक नॉक निकाल देगा, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्स, कैसे एक नॉक डाउन जरूर देखने को मिला जबकि कवर उनके पास था, सब कुछ उनके पास था, लेकिन एट लास्ट लाइव है क्या टीम 23rd के साथ फाइट्स होने वाले, लग तो ऐसे रहा है। दोनों टीम से एक दूसरे के करीब, रॉनी के साथ यहां पे क्रैश हुआ व्हीकल्स के बीच में और फाइनली एक नॉक निकाला जरूर, लेकिन विद इन सेकंड्स उनका भी नॉक हमें देखने को मिल चुका। मान्या को व्हीकल से कुचला जा चुका है लेजिट के चोको की तरफ से और टीम आइकोसोल जो अब तक कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही थी वो थोड़ी बहुत वीक हो चुकी है। एंड प्रोटोन सामने बैठे हुए हैं, क्या लेजिट के एक आखिरी प्लेयर है वो, अगर आपको जीतना है, अगर आपको अपने प्लेयर्स को बचाना है तो प्रोटोन को एलिमिनेट कीजिए, जोन से एलिमिनेट हुए, चांस ही नहीं मिला कि फोस्टेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन रॉनी भी अब टीम आइकोसोल के इस मैच से बाहर जा चुके हैं। लेकिन ये टीम 7 फिनिशर्स निकाल के अपने तीनों प्लेयर्स के साथ, अभी टीम 10 अभी भी बची हुई जरूर है। और अगर आप नोटिस करोगे टीम आइकोसोल टीम 7 शोर के ऊपर भारी पड़ रही है और देखते देखते टीम 7 शोर के दो प्लेयर्स डाउन एंड दोनों प्लेयर्स का एलिमिनेशन हो चुका। और अब मंगलू के सामने स्किप से, अब मंगलू के सामने माने आप, मंगलू के सामने वो सौम्य है और वो टीम अपने तीन प्लेयर्स के साथ है, तो अभी के लिए वो एक बेहतरीन फाइट जीतने वाली है और आपके सामने वो रिजल्ट दिखाई दे चुका है। मान्या फिनिश ऑफ करेंगे मंगलू को भी और 7 शोर इस मैच से बाहर, और आइकोसोल भी अब धीरे धीरे करके पुश करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। स्किप सबसे आगे 10 फिनिशर्स, आइकोसोल क्या इस मैच को जीतने वाले, ट्रीडॉन ने यहाँ पे स्किप्स को डाउन कर दिया। सौम्य की बात करना चाहता हूँ, जोन के बाहर फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और मान्या टीम आइकोसोल के दूसरी ओर से जो बैटमैन की टीम है शायद वो स्लॉट नंबर 6 उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और देख लीजिए देखते देखते दो प्लेयर्स वहां पे डाउन किए गए। क्या होया अभी भी आपको सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे, वेगेटा अभी भी आपको नॉकडाउन दिखाई दे रहे, भाई टीम 20 के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है, टीम नंबर 6 के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है और फाइनली क्या होया इस मैच से बाहर मान्या की तरफ से और पूरी की पूरी टीम जो 10 नंबर थी गोइंग बैक टू द लॉबी। और अब आइकोसोल के पास सिर्फ दो मात्र ऑप्शन, ट्रीटॉन को डाउन कर दिया, क्या खूबसूरत मान्या ने, लेकिन दूसरे ही पल रैक्स की तरफ से नॉकडाउन एंड सौम्य अभी भी जोन के बाहर 11 फर्स्ट एड्स के यहाँ पे लेके हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ बात बनने वाली है। लग तो रहा है कि हैना की टीम यहाँ पे जीत सकती है, ऑब्वियसली बात है मान्या को आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर वो अभी के लिए जोन में होते तो मान सकते थे कुछ बात बन सकती है और मान्या चले फिनिश ऑफ और सौम्य को अब आगे बढ़ना पड़ेगा जोन के इंतजार की। सौम्य स्पाइडर में कहने का वक्त आ चुका है लेकिन जंप करके ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डैमेज हमेशा के लिए इनको फिनिश ऑफ करने वाला है। और जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं खुद खुशी करना जरूरी समझूंगा लेकिन आपके हाथों में अपना किल नहीं दूंगा, और
एलिमिनेशन कंफर्म, टीम आयको सोल के कॉम्बिनेशन है डेडली टू। ओ ओ ओ क्या बात है, एक नॉक देखने को मिलेगा आयोगी की तरफ से। एलिमिनेशन कंफर्म हो चुका है विद इन द सेकंड्स, और अब मायावी विद डॉट एचपी फर्स्ट एड इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले बैंडेज यूज कीजिए। ओ हो हो, फिर भी ये घुटनों में जो टीम आइकोसोल की सेकेंड लाइनअप खिला देख रही है, देखने को मिल रही है, जो मैनेजमेंट इट सेल्फ है एनालिस्ट, उसके बाद कोच वगैरह आप कह सकते हो खेल रहे, उनके आईओ की द एनालिस्ट वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर बचे हुए। अब तक फिनिशर्स इन्होंने एक निकाल लिया, चलिए ये भी मान लेते हैं कि क्या सामने वाली टीम के प्लेयर को एक 1v2 करके इस मैच से बाहर भेजा जा सकता है। वो तो आगे बढ़े निकाला, लेकिन 3.4 के प्लेयर बहुत करीब में स्विच किया जाएगा, गन रीलोड नहीं करते, ऑप्शन नहीं था। डीवीएस का फटका, एक प्लेयर वहां पे डाउन देखने को मिला, लेकिन अब टियोन घासों में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों टीम्स की फाइट्स के बीच में टीम आइकोसोल की भी एंट्री हो चुकी है। एंड थर्ड पार्टी अगर हुई है तो थर्ड पार्टी में क्या होता है आप सभी को पता है कि फायदे मिलते हैं, फिनिशर्स मिलते हैं, फ्री के किल्स मिलते हैं, और वही टीम आइकोसोल के प्लेयर्स को मिल रहे हैं। स्किप्स को देख लीजिए, बैट को फिनिश ऑफ किया गया, राइट साइड से एक और प्लेयर यहाँ पे घुसने की कोशिश करेंगे, स्किप्स को वहाँ पे बिजॉय के भी फिनिश ऑफ मिले, रॉनी कर सकते हैं घुसने की कोशिश वहाँ पे, ओ ओ ओ माना कर चुके हैं घुसते, वहाँ पे टीम 16 के प्लेयर्स की तरफ से स्वागत किया जाएगा, एंड इन्होंने वहाँ पे बहुत ही मॉन्टी को डाउन कर दिया है। आप करो हमारा स्वागत, लेकिन हम आपके कहीं ना कहीं फायदा उठा के लेके जाएंगे, और आरएनटी सेंसी भी डाउन, एलिमिनेशंस कंफर्म होने वाला है। टीम जो आपको दिखाई दे रही है ना जोन के मिड में, उनके सेंसी को डाउन किया गया, स्किप्स यहाँ पे धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मानने ने वापस कैरी को भी डाउन कर दिया, चलिए एलिमिनेशन उनका भी कंफर्म। और जो पहले डाउन हुए थे रेड इज लाइफ, इस टीम के तो नहीं है बट हाँ उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। लेकिन अब आइकोसोल अपने चार प्लेयर्स के साथ 7 फिनिशर्स निकाल के फर्स्ट फिट की दिखाई दी, उनके बैक एंड में टाइको ताज की टीम और राइट साइड में टीम आइकोसोल के माने पहुंचे थे, नॉकडाउन हमें देखने को मिले, स्किप्स की तरफ से भी प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं, लेकिन फ्री वेगेटो जो आखिरी प्लेयर थे वो रॉनी की तरफ से फिनिश ऑफ किए गए। एंड चलिए अभी भी ऐसा लग तो रहा है कि जो आइकोसोल है और जो मिसफिट के बीच में फाइट्स हुई उसमें आइकोसोल के प्लेयर्स यहां पे जीत सकते, देख लीजिए सेंसी वहां पे डैमेज, फिनिश ऑफ कंफर्म, नॉकडाउन हो चुके थे, पुश किया जाएगा वेबी की तरफ से, ट्रेस कॉर्ड, ओ माय गॉड सोफे का वो ग्रेनेड था ना, पक्का फिनिश ऑफ, देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर ने कंफर्म किया है एंड क्या डिस्ट्रॉय किया लॉब। चलिए वेबी की तरफ से एक नॉकडाउन की उम्मीद जरूर की जा रही है, देखना रहेगा कि इन दोनों टीम्स में, तीनों टीम्स में से कौन सी वो टीम है जो कि यहाँ से बचकर निकलने वाली है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप नोटिस करोगे टीम आइकोसोल के प्लेयर्स यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहे, टीम 22 के प्लेयर्स के ऊपर एक नॉकडाउन वहाँ पे आपको जोकर दिखाई दे रहे हैं, शायद एलिमिनेशन हमें जल्द ही देखने को मिले उस प्लेयर का। एंड सो में स्किप्स एंड रॉनी को अगर आप देखोगे या फिर आप नकुल को देखोगे, बस सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे आपको अलाइव दिखाई दे रहे हैं। ये भी टीम डायरेक्टली और ब्लाइंडली पुश करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लेयर कब आया पास में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आप दूसरे शो ऑफ करना टीम 22 के प्लेयर्स को और ये पुश करके उन टीम्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके सिर्फ दो मात्र प्लेयर आपको अलाइव दिखाई दे रहे हैं। और देख लीजिए सोमे की तरफ से होप डाउन किया गया है, और अब एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद टीम 22 के, मैं क्लिक करते रह गया उससे पहले उनका एलिमिनेशन स्किप्स ने कर, भाई मैं जाता हूँ ठीक है, वैसे भी हाँ हुआ है कुछ और ये 2-3 दिन से पता चला एक्चुअली, नहीं लोग सुनेंगे ना दोस्त, जिंदगी के साथ खेलेंगे तो ऐसे ही होता पता है, रिक्स नहीं लेना है अभी के लिए, हॉक को खुद को अपने आप को बचाना है, लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। व्हीकल यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज जरूर है, लेकिन ऊपर अगर आप नोटिस करोगे रिकरिंग वर्सेस यहाँ पे आइकोसोल की फाइट शुरू हो चुकी है, टीम आइकोसोल के सो में थोड़े से लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं जो कि ऑर्डर बॉट्स के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, और स्किप्स को एक नॉक निकालना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, सिर भी यहाँ पे आने की कोशिश, ऑर्डिंग की बात करना चाहिए तो वो भी करीब आ चुके, एक 1v1 की फाइट चले, एक प्लेयर वापस स्किप्स की तरफ से डाउन, एक और प्लेयर घुटनों पे दिखाई दे रहा है, और अब ऑर्डर बॉट्स की बात करना चाहता हूँ शायद इस मैच में वो आखिरी, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस टॉरेज। फिलहाल के लिए आइकोसोल का ड्रॉप क्लैश टीम में डेल ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट, और तुरंत सर्वित पहला फ्रैग निकालते हुए नजर आ रहे स्किप्स के रूप में, जरूरी था वहां पे स्किप्स को बच के रहना, लेकिन कंफर्मेशन आ चुका है सर्वित के द्वारा, आइकोसोल सो में इनके हाथ में है पिस्टल, सामने की तरफ प्लेयर नजर आते हुए, उनके पास भी गन्स तो है नजर आती हुई, दूसरी तरफ आइकोसोल के बच्चे हुए खिलाड़ी वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट सैडली इतनी सारी गन्स है नहीं, माइक्रो उजी है रॉनी के हाथ में, नीचे की तरफ एसएलआर के साथ खिलाड़ी है,
मिडिल ईस्ट पोस्ट के सर्वेत ऊपर की तरफ आते हुए, he's got a very good gun in hand, but इस समय पे बैटल है अच्छे खासी एक्यूरेसी की, कनेक्शन की, नीचे उतरेंगे रॉनी, लेकिन अभी आईक्यू सोल बहुत बड़ी मुश्किल, बट देखिए सोमय, माय माय माय, सामने की तरफ M249 थी उनके हाथ में, M249 वर्सेस पिस्टल में पिस्टल विन करती नजर आ रही है, बट एक और खिलाड़ी और सोमराज, दोनों खिलाड़ी है ऊपर की तरफ गए हैं, सोमराज हील करना चाहेंगे, एक्वा को भी हील करने की जरूरत, और इसी बीच आईक्यू सोल मानिया फायदा उठाते हुए थर्ड पार्टी करते हुए सोमराज ने, ही इज गोना गेट द फ्रैग, और आईक्यू सोल का आ चुका है थर्ड पार्टी, आखिरी खिलाड़ी सोमराज सामने की तरफ, और सोमराज भी एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं, पहला बॉय को डाउन किया, फियर्स दूसरी तरफ, उनको भी टेक डाउन करने की कोशिश रहेगी और उनको भी कर दिया गया है टीम तमिलास के द्वारा, लेकिन गुजरात टाइगर्स फाइट में आए, गाड़ी से उतरे हैं, टीम जेली फायदा उठा रहे हैं, टीम जेली भी नजर आते हुए, और आईक्यू सोल का स्क्वाड गुजरात टाइगर्स को टेक डाउन करता हुआ, एलिमिनेट करता हुआ, सोमे को गवाया, लेकिन फिर भी स्किप्स अभी के लिए डाउन, उनका भी रिवाइवल हो जाएगा, तीन फ्रैग माने के खाते में, तीन फ्रैग नकुल के खाते में, लेकिन टीम जी की बात करें, ये भी फाइट में जाते हुए और फायदा उठाया, किसने, अक्षत ने, फ्रॉम द साइड ऑफ टीम फीनिक्स, इनसे मैं दाद जरूर देना चाहूंगा, पर टीम आईक्यू सोल को गुजरात टाइगर्स क्लच गॉड ने ही सबसे पहले उनके नॉकआउट फिनिश करा था इस खिलाड़ी को, लेकिन उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं खिलाड़ी, जैसे ही पुश करते हैं, मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, वो नॉकआउट पुश वाली एक तरकीब जो स्ट्रेटजी रहती थी क्लच गॉड की, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं डिपेंड करती है यहाँ से, लेकिन दूसरी तरफ से टीम मोगो ईस्पोर्ट्स मौका है उनके पास, नंबर्स का एडवांटेज, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी जानकारी पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, डेस्ट्रो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाल बाल बचे उस ग्रेनेड के इम्पैक्ट से, बट मान्या की जरा एचपी तो देखिए, वो लास्ट मोमेंट पे फर्स्ट किट लगाना बहुत जरूरी है, और शायद उनको बहुत भली भांति यहाँ पर पता है कि सामने खिलाड़ी के पास भी एचपी नहीं, तो क्यों ना अगर इस मोल्टॉप के चलते नॉकआउट अगर हो जाते हैं, बट ये कीमती वक्त जो यहाँ से जाया किया गया, कोशिश का